हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी के अपकमिंग फ़ोन रियलमी G1 के बारे में और रियलमी के अपकमिंग लैपटॉप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, रियलमी कंपनी अब लैपटॉप के मार्केट में उतर चुकी है और ये अपना पहला लैपटॉप लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियलमी G1 फ़ोन के बारे में। तो रियलमी के को फाउंडर मिस्टर माधव सेठ ने यह कन्फर्म किया है कि वो नया फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं रियलमी G1, और इसका प्राइस होगा 7000। यह प्राइस इसके फर्स्ट वेरिएंट का है। इसके अलावा फ़ोन हमें दो और वेरिएंट में देखने को मिलेगा। इस फ़ोन में हमें 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा और फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी लगी होगी। फ़ोन ड्यूल 5G के सपोर्ट के साथ आएगा और इसके बैक साइड में ट्रिपल रेयर कैमरा रहेगा। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बट आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा इसे लाइक करने में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें और अच्छा वीडियो बनाने में इंस्पिरेशन मिलेगा। बात करते हैं रियलमी G1 फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। इस फ़ोन में पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को हमें मिलेगा। फ़ोन दो कलर्स में अवेलेबल होगा। इसके बैक साइड में ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलेगा। फ़ोन के नीचे रियलमी की ब्रांडिंग दी होगी। फ़ोन के साइड में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम फ़ोन अनलॉक कर सकेंगे। बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इस फ़ोन में 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह काफ़ी बड़ा डिस्प्ले होगा। यह डिस्प्ले 16.7 मिलियन कलर्स के इस्तेमाल करने के बाद बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है कम बजट में। अगर आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजन प्राइम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल सकेगा इस डिस्प्ले में। इस फ़ोन में हमें गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके बैक साइड के ट्रिपल रेयर कैमरा के बारे में। तो इसमें 3 कैमरा है। पहला जो मेन कैमरा है वो 13 MP का है। इसके अलावा 2 MP का पोर्ट्रेट कैमरा है तथा 2 MP का माइक्रो कैमरा दिया है। इससे आप 1000p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके फ्रंट कैमरा की अगर बात की जाए तो इसमें हमें ड्रॉप नोच का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यह फ़ोन 8 MP का फ्रंट कैमरा होगा इसमें तथा 720p पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस फ़ोन के साथ हमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जिससे 50W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इस फ़ोन में हमें रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। इसमें Type-C पोर्ट दिया होगा, माइक दी होगी, 3.5 का ऑडियो चेक होगा तथा गूगल का स्पीकर सपोर्ट भी मिलेगा। बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम और परफॉर्मेंस के बारे में। तो फ़ोन में हमें ड्यूल 5G का सपोर्ट मिलेगा। अभी तक प्रोसेसर तो कंफर्म नहीं है, बट कोई चीप प्रोसेसर ही होगा। या इस फ़ोन के साथ हमें एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलेगा। इस फ़ोन में रियलमी UI 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। फ़ोन 3 वेरिएंट में अवेलेबल है, 1.2GB+32GB, 2.3GB+32GB, 3.4GB+32GB। इस फ़ोन में डेडिकेटेड स्लॉट का सपोर्ट दिया होगा, जिससे आप 2 SIM कार्ड यूज़ कर सकते हैं और 1 मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट इस फ़ोन का अक्टूबर का फर्स्ट वीक है, तो अक्टूबर में यह फ़ोन हमें देखने को मिल जाएगा। इसके फर्स्ट वेरिएंट का प्राइस 7000 है, सेकंड वेरिएंट का प्राइस 8200 है तथा थर्ड वेरिएंट का प्राइस 9500 है। मुझे तो यह फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, लो बजट में। वैसे आपकी क्या राय इस फ़ोन के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे रियलमी के अपकमिंग लैपटॉप के बारे में। दोस्तों, रियलमी अपना फर्स्ट लैपटॉप लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, इसकी ऑफिशियल जानकारी कंपनी ने मीडिया को दे दी है। बात करेंगे हम इस न्यू लैपटॉप के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे इसके सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में तथा एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में। इस लैपटॉप में 14 इंच का 3:2 यानी 16:2 का एस्पेक्ट रेशो वाला 2160x1440p 2K LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलेगा। इसके टॉप और साइड विजन थोड़े से बतले हैं तथा बॉटम विजन की थिकनेस ज़्यादा है बिकॉज ऑफ रियलमी ब्रांडिंग। और ये डिस्प्ले 100% ASRGB कलर गैमेट के सपोर्ट के साथ आता है और अराउंड 300 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है। इस लैपटॉप में 720HD वेबकैम दिया गया है। आई थिंक इस प्राइस रेंज में यह काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। इस लैपटॉप में स्लिम और लाइट वेट मेटल डिजाइन देखने को मिलेगा और इसमें एल्यूमिनियम अलॉय डिजाइन भी दिया गया है। 14.9 mm में इसकी थिकनेस है एंड 1.3 kg इसका वेट है। जो टॉप मोस्ट वेरिएंट लैपटॉप का उसका वेट 1.4 kg है। इसमें मल्टीपल माइक देखने को मिलेंगे, जिससे वीडियो कॉलिंग काफ़ी अच्छी होगी। इसका कीबोर्ड मैकबुक से इंस्पायर्ड है, बहुत बड़ा टच पैड है और मल्टी टच का सपोर्ट भी दिया गया है। इस लैपटॉप में फिंगरप्रिंट स्कैनर का सिक्योरिटी भी दिया गया है अनलॉक करने के लिए। बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में।
तो इसमें इंटेल का चिपसेट दिया गया है। जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है इसका, उसमें i5 11th जनरेशन एंड i5 1135G7 वाला चिपसेट दिया गया है। इसमें हमें इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स भी देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप में थंडरबोल्ट का सपोर्ट भी दिया गया है। दोस्तों रियलमी का यह पहला लैपटॉप है, इसलिए डिजाइन एंड डिस्प्ले पे ज़्यादा फोकस दिया है। नेक्स्ट टाइम फीडबैक मिलने के बाद और ज़्यादा चेंजेस करेंगे और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस लैपटॉप में हमें इनबिल्ट विंडोज 10 मिलेगा, जो कि अपग्रेडेबल टू विंडोज 11 होगा, और इसमें इनबिल्ट एमएस ऑफिस भी रहेगा। ऑडियो के लिए हमें डियो हार्मन स्पीकर्स मिलेंगे और इसके बैक साइड में वेंट मिलेगा, जो कि एयर कूलिंग के लिए यूज होगा। यह काफ़ी स्लिम लैपटॉप है और इसमें इसलिए थोड़े से कम पोर्ट देखने को मिल सकते हैं। इसमें 54 वाट की बैटरी का सपोर्ट होगा, जो 10 घंटे तक चल जाएगी। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 50-60,000 है और सबसे बेस्ट डिस्प्ले एंड डिज़ाइन दिया गया है इस प्राइस रेंज में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, यह वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम टेक से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव ए गुड डे।